आज कोशिश करेंगे पूरी हो जाएगी। वो मिश्राणी सुदामा तन नूकन लगी, महाराज कृष्ण के पास चला जा। बोले रहे आली सूखी रोटी खा के वक्त गुजारू मिश्राणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जाएगा, कोने हाथ पसारू मिश्राणी। के ब्राह्मण का काम मांगना नहीं होता मिश्राणी, और तू मांगण खातर भेजे है, महाराज जाना पड़ेगा। बताते हैं मिश्राणी के जिद करने से सुदामा कृष्ण भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और वहां जब रुक्मण ने ताने मारे, ये तो कंगला से, इसके तो रहा कुछ ना, हे भगवान तेरे ऐसे ही से डब्बी, ताने मार देती है और सुदामा बड़ा दुखी हो जाता है। तब कृष्ण भगवान उस रुक्मण को समझाते हैं कि रुक्मण इन ब्राह्मणा ने नू ना मान, और जो आ रहा है ना सुदामा, यो तो असली खून से रघुवंश का, और तीन ब्राह्मणा पांगड़ी मतना ठावे, महाराज के हो जाएगा, नहीं तो एक कोशिश करेंगे, बिल्कुल शांति से सुनना। कृष्ण भगवान सुरुकमण को ब्राह्मणों का उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मण तो बहुत तेज तपस्वी हुए हैं, और ब्राह्मणों के सामने कोई नहीं टिक सकता, एक भजन के माध्यम से क्या उदाहरण देते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, और क्या कहते हैं, हो रुकमण मठ हो जागा यारी का, मठ हो जागा यारी का, अतिथि की सेवा करना फर्ज बने घर बारी का, मठ हो जागा यारी का, अतिथि का घर बारी को कड़वे बोल कहे मत रुक, मठ हो जागा यारी का, आज के इस पूरे आयोजन की लाइव रिकॉर्डिंग आर के म्यूजिक कंपनी मेरे भाई पवन सांद्रवासिया 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। पहली कली में सुदामा के बारे में बताते हैं भगवान, गौर करना क्या कहते हैं, ये कौन है, कहां से आया, क्या कहते हैं, जानती है सुदामा कौन है और ब्राह्मण कौन होते हैं, मैं बताता हूं क्या कहते हैं भगवान। हे रयो से असली यार सुदामा, रयो से असली यार सुदामा, इसमें बसते मेरे प्राण रघुवंशी, खून से असली मत समझे सादा इंसान, फिर ब्राह्मण का मुख अग्नि हो से इस तेंडरता है भगवान, और सारी बोर खत्म हो रुक्मण अपनी कर ले बंद जबान, सारी बोर खत्म हो रुक्मण अपनी कर ले बंद जबान, फिर ब्राह्मण छेड़ा ईसा कहे, फिर ब्राह्मण छेड़ा ईसा कहे, जनु काला सर्प पेटारी का, की सेवा करना भरत करना।
खिलाना गांव से काला पंडित जी क्या सम्मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और एक दो बात समन ऋषि के फरमाइश करिए, कोशिश करेंगे समय मिला तो। दूसरी कली में किस ब्राह्मण का जिक्र करते हैं भगवान, गौर से सुनना क्या कहते हैं। त्रेता में एक राजा रावण, त्रेता में एक राजा रावण, महाठिल्ला महाजनी और मैदानों की लड़की थी राजा रावण की रानी। और पवन बुहारी दिया करे था इंद्र भी भरता पानी, और चार वेद का ज्ञाता था वो शिव का भगत महाध्यानी। चार वेद का ज्ञाता था शिव का भगत महाध्यानी। फिर पंचवटी ते अरण करया था, फिर पंचवटी ते अरण करया था सीता जनक दुलारी का, अतिथि की सेवा करना फर्ज बने घर बारी का। अरे बोल मनो जागयारी का, अतिथि की सेवा करना फर्ज बने घर बारी। अगला उदाहरण भगवान ने अगस्त ऋषि का, अगस्त ऋषि कौन थे, उनकी क्या महिमा है, क्या कहा पंडित जी ने। हे अगस्त ऋषि के दौरे जाके, अगस्त ऋषि के दौरे जाके कर दिया रुद्र ने तीर ही ना, वहां बोली मेरे बच्चे ले लिए उस सागर अकशीरी ने, और बच्चे देने ते सागर न जा, बोला देखूं तेरी फकीरी ने, और शरणागत पे दया करी उस ब्राह्मण गंभीरी ने, और शरणागत पे दया करी उस ब्राह्मण गंभीरी। फिर अपने हाथा नाश करा लिया, अपने हाथा नाश करा लिया भई करी कराई सारी का, अतिथि की सेवा करना फर्ज बने घर बारी का। कड़वे बोल मटो जागयारी का, अतिथि की सेवा करना फर्ज बने घर। बड़े संस्कृति प्रेमी और सेना में अपनी सेवाएं दे चुके आदरणीय प्रदीप जी वत्स साहब मोड़ी गांव से, हमारे आदरणीय बड़े सम्मानित जन, 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। जामरी गांव से मेरे भाई बहुत ही आदरणीय जयवीर शर्मा जी, जामरी गांव 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है। और ये 100 रुपए हाँ मेरे बड़े भाई विपिन शर्मा जी साहुवास गांव से मान सम्मान देते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद है। गांव बोंद कला समाज की तरफ से, बोंद कला की पूरी टीम की तरफ से भगवान की इस वंदना पे 200 रुपए से मान सम्मान है, बार बार धन्यवाद है। अगली कली में
किस ब्राह्मण का किस ऋषि का जिक्र करते हैं भगवान हमारे इन बाम नाने न्यू ना मानने ये बड़े तपस्वी हैं और छो छो तो का तो कहना है गई है किसका उदाहरण दिया भगवान ने क्या कहते हैं मान सम्मान दिया मेरे आदरणीय सुनील कौशिक जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं कौशिक साहब का बार बार धन्यवाद है धन्यवाद हृदय दीची के दौरे जाते देव समाज पुकारा था अरे तेज पी लिया उस ब्राह्मण ने जो उधर बीच में तारिया था और कर के दया उस ब्राह्मण ने देवत्या का कारज साया था और उसके हाथ का वज्र इंद्र ने वत्रासुर के मारा था उसके हाथ का वक्रासुर के मारा था सारा शरीर काम आया था और सारा शरीर काम आया था उस ब्राह्मण तपधारी का अतिथि की सेवा करना फर्ज बने घरबारी का कड़वे बोल कहे मत रुकमण मठ हो जागा यारी का अतिथि की सेवा करना फर्ज बने घरबारी का सोदा करंद लाला ब्रज का उदाला है तेरे लाल से तो सारा जग दिल मिलाए दू 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 ओ दू 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 जिस ब्राह्मण का जिक्र चिरंजीव में आता है अमरता में उस मार्कंडे ऋषि का भी जिक्र करते हैं कृष्ण भगवान के जिसने अपनी तपस्या से के तो 16 साल की उम्र थी मेरे बहुत यादनी अंकल जी ओम प्रकाश वशिष्ठ जी कितलाना गांव से 100 रुपए से अपने बेटे का मान सम्मान करते हैं अंकल जी का बार बार धन्यवाद है धन्यवाद बताते मार्कंडे ऋषि की 16 साल की उम्र जब धर्मराज लेने के लिए आया तो शिवलिंग तो लिपट कर रोन लग गया शंकर भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं उसको अमरता का वरदान दे देते ऐसी तपस्या है ऋषियों की उसका उदाहरण देते हैं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं मार कंडे ने लेवन खातरी ओ मार कंडे वो धर्मराज खुद चल था और तेज देख के उस ब्राह्मण का वो ब्रह्म फांस में डाल था और देवावन और ढेठ पड़ी ना ले जावन की उसका भी दिल हल्ला था और फिर शिव जी ने अमर बना के वो धर्मराज पे डाला था फिर शिव जी ने अमर बना के धर्मराज पे डाला था फिर धर्मराज भी उल्टा हट गया धर्मराज भी उल्टा हट गया जो हुक्म सुने त्रिपुरारी का अतिथि की सेवा करना पर जब ने घरवारी का और अगली कली में जिसकी समृति में आप बैठे हो उस ब्राह्मण का जिक्र करते हैं कृष्ण भगवान बोले अरे एक जमदग्नि का पूत भी था
छोटे मोटे ब्राह्मण की महिमा बहुत बड़ी है, इसका उदाहरण कैसे दिया भगवान परशुराम का, क्या कहते हैं? ऋषि का पोता था, ऋषि का पोता था, जमदग्नी का पुत्र है, असुर विहीन सृष्टि कर दी, देखी जब करतूत है, और कश्यप जी को दान दी धरती, न समझी अपनी जरूरत है, हेरे सुख सागर और रामायण में इसका मिले सबूत है, सुख सागर और रामायण इसका कह सबूत है, हेरे असुर जाम पे उठ्या ना भरसा, असुर जाम पे उठ्या ना भरसा, उस परशुराम बलकारी का अतिथि की सेवा करा, रिचक ऋषि का पोता था, जमदग्नि का पूत कहें, असुर विहीन सृष्टि कर दी, देखी जब करतूत कहें, कश्यप जी को दान दी धरती, ना समझी अपनी जरूरत कहें, और सुख सागर और रामायण में इसका मिला सबूत कहें, असुर जाम पौट्या ना फरसा, उस पर सुराम बलकारी का अतिथि की सेवा करना फर्ज बना दरबारी का, रुक्मणी ये सुदामा अतिथि है, इसकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता चाहिए, कंगाल है कुछ भी है, लेकिन घर ना आया अतिथि देव भव है। अगली कली में रुक्मणी एक महाभारत के युद्ध में भी ब्राह्मण था, और उसका भी रुक्का पाट्या था, महाराज कौन था, किसका उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? हेरे मां भारत के युद्ध की खातर, हेरे मां भारत के युद्ध की खातर, कुरुक्षेत्र में कठ जोड़ होया, मन अपनी सेना दिकोर वाते, मैं पांडवा की ओर होया, हेरे अरब खरब और जनपद खप के 18 दिन में तोड़ होया, और शक्तिशाली योद्धाओं में एक ब्राह्मण भी अणि मोड़ होया, शक्तिशाली योद्धाओं में एक ब्राह्मण मोड़ होया, फिर युद्ध भूमि में बल देखा था, फिर युद्ध भूमि में बल देखा था, उस ब्राह्मण द्रोणाचारी का अतिथि की सेवा करना, और आखिरी कली आपके बीच में, कवि ने बड़े भाव से बताया है, दादा लक्ष्मीचंद ने कह रखी नौटंकी के सांग में, बिना कौन बिना बुलाया कौन किसे का आया जाया कर से, लिख्या कर्म का दाना पानी अब उठा लिया कर से, सारा दाना पानी इंसान का जहां भी होता है इंसान को जाना पड़ेगा, कभी भी वही बात कहता है, रे रुक्मणी यो सुदामा आया से तेरा कुछ लेने के लिए नहीं आया, इसका दाना पानी उठा के लिया, क्या कहते हैं क्या है?
चंद गिराम थे गुरु हमारे रहा कर थे भंडारे और कई दिना तक वहां रहे वे फिर आगे अपने कहां दवारे यो दाना पानी खा के लावे कौन किसे के कहे सारे जो ब्राह्मण ते फस के चले वो देव समाज तलक हारे जो ब्राह्मण ते फस के चले देव समाज तलक हारे इंदर मलन है चारज देगे इंदर मलन है चारज देगे वो ज्ञान की भरी बुखारी का ओ किसी की सेवा करना फर्ज बने गवाई का पर वे बोल कहे मदर उपमन हट हो जा गयाई का ओ किसी की सेवा करना फर्ज बने दरबारी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में।